गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में लेके आए हैं क्लास। तो हम कुछ जानेंगे बेसिक पहले, उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका इस क्लास में बहुत बहुत बड़ा आपका गुनाह है कि जिस प्रकार से मान लीजिए हम इतना किस प्रकार से हम इसको एक सेकंड के अंदर में हमें इतना बड़ा बड़ा गुना करने में आपको बहुत अधिक समय लगता है, तो किस प्रकार से हम एक सेकंड के अंदर में इसको बनाने का काम करेंगे और आप सीखेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक हक बनता है लाइक करने में। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है, कहता है सबसे छोटी भाज संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज संख्या पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। अगर वही प्रश्न कर दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। और चलते हैं प्रश्न, जैसे मैं कह रहा पहला प्रश्न है 112 गुना 112 माइनस 88 गुना 88, तो किस प्रकार से हम इसको गुना करना है, फिर इसके दोनों गुना करना है, घटाना है, तो लंबा तरीका हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से तुरंत हम जस्ट बना सकते हैं, तो करेंगे क्या चीज, एक बार इसको हम एक साथ जोड़ देंगे 112 प्लस 88, और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे 112 माइनस 88। तो देखिए 112 प्लस 188 जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 200, गुना 112 में से 88 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 24, फिर देखिए 24 गुना 2 48, 48 पर कितना जीरो, दो जीरो, यही हो गया आपका आपका आंसर, समझ गए होंगे। अच्छा एक हम इसमें टॉपिक भी बता देते हैं, सूत्र भी बता देते हैं, इसका इजी तरीका क्या है, अगर रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जैसे ए एक एक दो है तो ए स्क्वायर हो गया, मान लीजिए इसको मान लेंगे ए बी, तो दोनों बी मान लीजिए तो बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो इसको क्या करेंगे ए प्लस बी, और एक बार कर देंगे ए माइनस बी, इसी पर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो क्या है 218 गुना 218 माइनस 182 गुना 182, क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो 218 प्लस 182, और फिर क्या करेंगे 218 माइनस 182। अच्छा फिर देखिए क्या करेंगे इसमें 218 प्लस 182 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 400, और गुना 218 माइनस 182 करेंगे तो हो जाएगा आपका 36। अच्छा फिर गुना करेंगे 24 के 4 बाकी 2 छत्तीस 12 12 2 14 44 और 2 को 0 है तो 2 को 0 बिठा देंगे, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए तीन नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, 417 गुना 417 माइनस 387 गुना 387, तो इसमें क्या करेंगे भाई लोग, अभी एक बार जोड़े थे 417 प्लस 387, फिर देखिए क्या है 417 माइनस 387। अच्छा आप देखा जाए इसमें 417 प्लस 387 इसको जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा आपका 804, और गुना 417 माइनस 387 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखा जाए, गुना कर दिए छत्तीस 12 के 2 बाकी 1 1 और 8 कितना हो जाएगा 24, कितना 24, और एक जीरो बचा था जीरो बिठा दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। अब देखा जाए इस प्रकार से गुना रहे तो इतना लंबा करने में कितना बहुत अधिक समय लगेगा, तो इसको हम किस प्रकार से एक सेकंड के अंदर में, दो सेकंड के अंदर में, तीन सेकंड के अंदर में ही आपको हम इसको सोल्व करते हैं और आप भी खुद सीख सकते हैं। तो देखिए चैनल पे बने रहे तो देखिए जाए कि इसके प्रकार से हम बनाते हैं, करेंगे क्या चीज इसको, तो इतना गुना इतना प्लस इतना, तो क्या लिखेंगे 999 गुना 999 प्लस 995 बटे क्या हो गया 999 गुना 999, समझ गए, इतना गुना इतना प्लस इतना करते थे भिन्न बनाते थे और गुना इतना, अब बटे क्या है 999 गया तो बचा क्या चीज भाई लोग, तो देखिए आपका 999 गुना 999 है, क्या है 999 गुना 999। अब इसमें गुना करने का ट्रिक समझिए, अगर जो संख्या हो उसमें एक कमा दिए, कितना है संख्या इसमें भी तीन इसमें भी तीन, तो एक कमा देना है कितना दो बचा, तो दो गो नौ, अच्छा नौ के बाद नीचे क्या आता है आठ, तो एक वो आउट आठ लिखेंगे, पहले जितना संख्या है उसमें एक कमाना है, तीन को था तो दो एक को कम गया तो कितना दो, अच्छा फिर नौ के बाद क्या लिखे नीचे आता है आठ, आठ जितना नौ उतना जीरो, तो जितना नौ कितना है दो नौ है तो दो जीरो, कितना आठ है एक बार आठ है तो क्या लिखेंगे एक, प्लस 995। अब इसको जोड़ दिया जाए क्या करेंगे
आपका 998, आपका 996, यही हो गया आपका आंसर। अच्छा फिर अभी पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं, गुणा का बहुत गुणा का सीख लेते हैं। तो देखिए गुणा का हम कैसे सीखते हैं, जैसे हम दे दिए 999 गुणा 999, समझिए दिखाई पड़ता है बाबू? हाँ ठीक है, 999 गुणा 999 करेंगे क्या चीज, इसमें कितना है 3, इसमें भी कितना है 3, तो 3 में 1 कमाना है, 3 में क्या करना है 1 कमा देंगे, तो कमा दिए तो आपका कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है तो पहले क्या लिखेंगे 2 × 9, अच्छा 9 के नीचे में क्या आता है 8, तो 1 8 लिखना है, हर में 1 ही 8 लिखना है। अच्छा फिर कितना 9 है 2 × 9 है, 2 × 0, 8 कितना बार है 1 है, तो यही हो गया आपका आंसर, समझ गए होंगे। अच्छा फिर चलते हैं अगला भाई, देखिए समझिए, देखिए प्रश्न अगला देखिए हम क्या है, 1 2 3 4 5 गुना 1 2 3 4 5, अच्छा इसमें भी समझा जाए कितना है आपका टोटल 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 को है तो क्या करेंगे इसमें 1 कमा देना, कितना लिखेंगे 4, 1 2 3 4, समझ गए होंगे। फिर 9 के बाद क्या आता नीचे 8, जितना 9 उतना 0, तो कितना है 4 × 9 है, 4 × 9 है तो 4 × 0, 1 2 3 4, 8 कितना बार 1 बार, यही हो गया आपका आंसर, समझ गए होंगे। तो चलिए अब प्रश्न अगला प्रश्न हम देखते हैं, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न अगला का, प्रश्न कहता है इतना इतना पूर्णांक इतना गुना इतना, ठीक है तो इतना हम किस प्रकार से बनाएंगे, क्या करें हम बताए थे आपका क्या है, 9299 गुना 9999 प्लस 5659 बटे कितना है भाई लोग 9999, गुना कितना 9999, अभी जस्ट बताए थे ये आपका कट गया। अच्छा 4 को कितना लिखेंगे 3 × 9, 1 2 3, अच्छा 1 और 8 लिखेंगे, जितना 9 उतना 0, 1 2 3, अच्छा 8 कितना बार है 1 बार, तो 1 और प्लस कितना 5659, अच्छा फिर जोड़ दिया जाए 1 2 3 8, अच्छा जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 5660, यही हो गया आपका आंसर, समझ गए होंगे। कितनों बना रहे हैं आप एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर ही बना बता सकते हैं, जैसे भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 गुना 1 2 3 4 5 6 6 6 दिए, इसमें क्या करेंगे 5 को लिखेंगे ना, 1 कमा देंगे 1 2 3 4 5, अच्छा 9 के बाद क्या आता है 8, फिर उसके बाद क्या करेंगे जितना 9 उतना 0, तो 1 2 3 4 5 दे दिए, 1 2 3 4 5 को 5 को 0, 8 कितना बार 1 बार, यही हो गया आपका आंसर। अब कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे मैं मान लीजिए हम बताए थे आपका उस समय क्या था 112 गुना 112 और क्या था माइनस 88 × 88, तो ये तो इजी तरीका से बनाना लिए थे और सूत्र भी था इसका। अब इसमें हम कर लेते हैं प्लस, तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो उस समय ये छोटा इजी था, सूत्र भी था और ट्रिक भी था, तो एक मिनट में बना लिए, लेकिन जब आपका हो जाता है यहाँ पर प्लस हो जाता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बहुत बड़ा सूत्र हो जाता है, सूत्र के अनुसार से बहुत बड़ा में बनेगा, तो इसमें करना क्या है, कुछ करना तो नहीं है, तो करना क्या है, तो इसमें देखिए कितना ज्यादा है ये देखेंगे, मान लेंगे पहले कि किसके अंतराल में, ये 100 के अंतराल में, ये भी 100 के अंतराल, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 12 प्लस है, कितना है 12 प्लस। अच्छा ये देखेंगे हम कि कितना माइनस है, 100 से कितना घटा है माइनस 12 है, कितना है माइनस 12 है, तो समझेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, जो मान है जो आया उसको वर्ग करके और 2 से गुना कर देंगे, 2 बार है तो 2 से गुना कर देंगे, क्या है जो मान है उसको वर्ग करके 2 से गुना, तो 2 × बराबर है 44 से, 4 × 8 4 × 8 2 × 1 = 2, 2 से कितना हो गया 88 आ गया, 288। फिर देखेंगे हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो देखेंगे आगे में क्या है इसका 1 है, तो 1 के वर्ग करके और इसमें भी 2 से गुना, तो क्या हो गया 2 × 1 = 1 बराबर कितना 2। अब यहाँ पर ट्रिक है, आपको हर हाल में पूछना चाहिए, पहले जो मान है लिख दीजिए 288, क्या है 288, ये आपको हर हमेशा पूर्ण करना चाहिए आपका 4 अंक, कितना अंक 4 अंक, तो कितना अंक पूर रहा 3 अंक पूर रहा, तो 3 अंक पूर रहा, तो इसमें 1 अंक बाकी अभी, तो क्या दे देंगे हम 1 अंक दे देंगे 0, क्या देंगे 0। फिर देखिए इसका आगे में जो इसका मान आया, इसमें अगला का मान आया उसको बैठा दीजिए, आप आराम से बना लीजिए गुना भाग करके, देखिए आपका आंसर इतने आएगा, समझ गए होंगे। तो चलिए हम और प्रश्न दिखाते हैं अभी, चलिए देखिए
अभी हम जस्ट बताए थे इसको करना क्या है, मान देखेंगे किसके लगीच में, तो 200 क्या है, अच्छा 200 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 200 से कितना कम है, तो 15 कम है, तो करेंगे क्या चीज, फिर से समझिए, हम बोले थे कि जो मान आया उसको वर्ग करके और 2 से गुणा कर देना, तो गुणा कर देंगे 2 गुणा 2 15 गुणा 15 15 15 ये 225, अच्छा फिर गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 15 दूनी 10 के 0 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4 400 कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। फिर आगे यहां देखेंगे आगे क्या है 2 है, तो 2 के बोले थे वर्ग करके और 2 से गुणा, तो 2 गुणा 2 दूनी 4 बराबर 4 दूनी 8, हम आप बताए थे यहां पर देखेंगे कितना अंक होना चाहिए, 4 अंक होना चाहिए, पहले इसमें मान दे देंगे 450, अभी 4 अंक पुणे के लिए एक अंक हमको जरूरत है, तो क्या दे देंगे हम 0 दे देंगे और जो इसका मान आया आगे वाला उसको बैठा दीजिए, यही हो गया आपका आंसर, समझ गए होंगे, हम जरूर आशा करते होंगे कि समझते होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो हमारे कमेंट कर कमेंट बॉक्स में डाल करके बोल सकते हैं कि सर यहां पर नहीं समझे, या बड़े भाई हो या हम छोटे भाई हो जो भी हो आप कमेंट करिए हम जरूर बताएंगे। तो फिर देखा जाए अगला प्रश्न हम टॉपिक लेके चले, कहता है x प्लस 1 बटे x बराबर 94, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर क्या होगा, अच्छा यहाँ पर वर्ग है, देखिए इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं, इसमें वर्ग है तो कुछ नहीं, क्या करेंगे जो मान दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना, वर्ग रहेगा तो 94 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 2, 94 गुना 94 करेंगे तो आपको आएगा 836 माइनस 2, अच्छा इसको घटा दिया जाए कितना हो जाएगा 800 आपका कितना जाएगा, एक मिनट 836 माइनस 2, 836 माइनस 2 94 गुना 94 करेंगे तो 836 माइनस 2 घटाएंगे कितना होगा 834, यही हो गया आपका आंसर। और प्रश्न देखिए, जैसे मैं मान लीजिए आपका प्रश्न ले लेते हैं, लेते हैं x प्लस 1 बटे x बराबर 12 लेते हैं, x प्लस 1 बटे x बराबर क्या ले लिए 12, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर 12 बताइए, तो अभी जस्ट बताए थे टॉपिक क्या बताए थे, वर्ग रहे इसका भी वर्ग, तो वर्ग करके 2 घटा देना है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2, 12 गुना 12 144 माइनस 2, 144 में से 2 गया तो 142, समझ गए होंगे जरूर, हम आशा करते होंगे समझते होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या है प्रश्न, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहता x प्लस 1 बटे x बराबर 18, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान ज्ञात करें, अभी जस्ट हमें ट्रिक इसका बताए थे, क्या बताए थे इसको वर्ग करके 2 घटा देना है, तो कर देते हैं 18 का स्क्वायर माइनस 2, अच्छा 18 गुणा 18 करते हैं कितना होता है 324 माइनस 2 घटा दीजिए तो 322, यही हो गया आपका आंसर, अच्छा इसमें भी देखा जाए इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, तो क्या करेंगे हम वही बताए थे आपका 42 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कितना घटा देंगे आपका 2 कर देंगे, 42 गुणा 42 करते हैं तो आता है 1764 माइनस 2 घटा दीजिए 1764 में से 2 गया तो कितना 1762, यही हो गया आपका आंसर, अच्छा फिर देखिए आपका इस प्रकार से, तो 2x + 1 / x = 12, तो देखिए इसका भी वर्ग है 2 2 4 x² और x² ये भी वर्ग है, तो इसमें भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 2 घटा दिए, अच्छा इसमें जो आगे है उसको भी गुणा करेंगे पीछे में, जो इसका आगे में क्या है 2, 2 का वर्ग है तो 2 इसमें गुणा करेंगे तो बराबर है कितना हो गया 144 माइनस 2 2 4 घटा दीजिए 100 कितना हो गया 40, यही हो गया आपका आंसर। फिर देखिए कुछ टॉपिक और हम बताते हैं अभी, चलिए देखिए पता है x माइनस 1 बटे x बराबर 15, तो x स्क्वायर माइनस प्लस का एक 1 बटे x स्क्वायर का मान देते हैं, अगर अगला आ गया क्या चीज माइनस में आ गया, तो माइनस में क्या करेंगे उस समय अगर प्लस था तो क्या करते थे माइनस, अभी माइनस है तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर प्लस कितना 2, अच्छा 15 गुणा 15 कितना होगा 225 प्लस 2 जोड़ दिया जाए कितना 227, यही हो गया आपका आंसर, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, दो दोनों देखिए 2 इसका भी वर्ग है तो 2 का वर्ग 2x का वर्ग करेंगे क्या होगा 4x स्क्वायर, इसका भी करेंगे तो उतना होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम बताए थे अभी जस्ट क्या करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 2, प्लस रहता था माइनस करते थे 2 और इसके आगे में जो है उसको गुणा कर देते, तो 12 गुणा 12 144 माइनस कितना 144 माइनस 2 144 माइनस 2 तो घटाइए 144 माइनस 2 अगर एक मिनट यहाँ पर सेम है तो सेम में तो यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर सेम नहीं था तब हम घटाए थे अगला, यहाँ पर सेम है तो घटाएंगे ना, तो क्या होगा 142, यही हो गया आपका
आंसर। अच्छा फिर देखिए यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर सेम रहता तो इस प्रकार से करते अलग अलग, क्या करेंगे बताइए, 15 का स्क्वायर और माइनस कितना 2 और गुना किसका, इसका आगे अलग कर देंगे, तो 15 गुना 15 225 माइनस 3 दूनी 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 219। तो समझ गए होंगे, जरूर समझे होंगे, एक सेकंड के अंदर में हम किस प्रकार से, दो सेकंड के अंदर में हम बताएं आपका ट्रिक। तो हम वीडियो का यहीं तक एंड करते हैं, जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं और जो भी साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपको इसी प्रकार से टॉपिक हम लेते आएंगे, नंबर सिस्टम का हो या फिर अन्य विषय का हो, और एक लाइक तो बनता है छोटा भाई का ये या बड़ा भाई। तो चलिए जय हिंद दोस्तों।